पुलिस प्रशासन प्रदेश भर में अवैध शराबबंदी को लेकर लगातार मुहिम चला रहा है। बावजूद इसके शराब माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे धड़ल्ले से शराब का कारोबार कर रहे हैं। खरगोन जिले के गांव कचनारवाड़ी में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है, जिसका विरोध वहां की महिलाएं कर रही हैं। ताजा मामला खरगोन जिले की सेगांव तहसील के ग्राम कचनारवाड़ी का है, जहां गांव में बिक रही अवैध शराब पर अंकुश लगाने की आस लेकर महिलाएं पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और उन्हें ज्ञापन सौंपा। मीडिया से रूबरू हुई महिलाओं ने इस बात का खुलासा किया कि गांव के छोटे छोटे बच्चे शराब के आदी हो रहे हैं और घर का पैसा चुराने लगे हैं। साथ ही पूरे मामले को लेकर महिलाओं ने बताया कि सामाजिक बुराई का सेवन करने से जमीन जायदाद भी गिरवी पड़ी है। गांव में शराब बंद करवाई थी, पुलिस थाने पे रिपोर्ट भी लिखवाई थी, उसके बाद भी शराब बंद नहीं हुई और पुलिस थाने में भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। सर ने बोला कि हम आपसे हाथ जोड़ते, हमसे कुछ नहीं होगा, जो भी आप गांव में करो वो तुम्हारे हिसाब से कर लो। मांगीलाल गांव में कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हम खरगोन आए। बहुत दिनों से बिक रही है, बोल रहे समझा दिया दारू। हमको भैया शराब बेचना बिल्कुल हमको मना है, क्यों बाहर गांव के व्यक्ति आते, हम सुबह से पानी जाता, शाम को पानी जाता, गंदी गंदी बातों करते, हंसी मजाक उड़ाते, हमको ये पसंद नहीं है। बाहर के व्यक्ति शराब पीना हमको बिल्कुल नहीं पसंद। उनका पापा कपड़े निकाल देते, उसमें पैसे रहते और पैसे निकाल के शराब पी लेते और तो वो स्कूल नहीं जाते ना, उनकी तो जिंदगी बर्बाद हो रही। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले कचनारवाड़ी की इन महिलाओं द्वारा पंचायत से ठहराव प्रस्ताव कर पुलिस की मौजूदगी में पारित किया गया था कि गांव में जो व्यक्ति शराब बेचेगा उसे पंचायती मार मारने के साथ आर्थिक दंड वसूला जाएगा। इसके बावजूद भी गांव में अवैध शराब माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि धड़ल्ले से शराब बेची जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बाढ़ न्यूज़, खरगोन।